को क्या होता है, मन्मथ पर चलने से क्या घाटा कर लेते हैं? तो मुरली से निकालना है, निकालेंगे। तो आज के बाबा की मुरली हम सुनेंगे। आज बाबा ने जो मन्मथ पर चलते हैं उसके 7 पॉइंट्स बताए हैं, है ना? अच्छा, तो आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। हमारी ये क्या है, मुसाफरी है ना। हम कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, उस पार घर जाके फिर उस दुनिया में जाना है। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है, बताओ। बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? देहभान का, देह अभिमान, देहभान। इसलिए इसकी निशानी भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? काशी कलवर चले जाते थे। और भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? बलि बलि देते थे ना, बलि चढ़ते, बलि देते, हाँ बलि देते हैं, है ना। कई सारी निशानियां भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि वो कहा ना, मैं दे अभिमान, मैं को खत्म करो। तो ये अभिमान के मैं को तो खत्म नहीं किया, तो जो मैं करता है उसको बलि चढ़ाने लगे, है ना। और फिर देखा होगा कि देवी के मंदिर में एक तीर्थ यात्रा पर कैसे जाते हैं, लेट लेट के जाते हैं, दंडवत पूरा लेट लेट के जाते हैं, मतलब पूरा सिर से लेके पांव तक पूरी तरह हम आपके सामने समर्पित हैं। ये भी निशानी है, देह अभिमान को खत्म किया है। लेट लेट के जाना, लोग कहेंगे देखो कैसे जा रहे हैं, लेकिन अब अपना अभिमान नहीं है ना, देह का भान नहीं है। तो ये तो बाबा ने कहा, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? देह अभिमान का। अब यहाँ पर भी आप देखो, जो सेल्समैन मैन होते हैं, है ना, वो मैं यहाँ पे नेहरू प्लेस में एक बार गई थी, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग दुकानों पे जाके वहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, आप हमारा। तो उन्होंने भी अभिमान को त्याग किया है ना। तो आगे बढ़ने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सोल कॉन्शियस स्टेज। पहले आज से 30 साल पहले ब्रह्मा कुमारियों को लोग इतना नहीं जानते थे ना? लोग ब्रह्मा कुमारियां किसी के घर से निकलते थे तो क्या करते थे, मतलब उस गली से निकलते थे तो लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। 15 साल पहले बैंकॉक में भी नहीं जानते थे। हाँ, इतना मतलब वो सोचते थे ये क्या है। कई बारी तो ऐसा भी कि पानी डालते थे, ऐसा भी सुनने में आया, मतलब नहीं जानते थे ना, वो तो कुछ और ही समझते थे। लेकिन आज देखो, दे अभिमान को त्याग किया, उस कॉन्शियस में नहीं आए, तो आज ब्रह्मा कुमारी की रेपुटेशन। तो बाबा कहते, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? दे अभिमान का। दे अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ
इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो फिर उस एक की ही याद रहे। जब बाबा पर कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे। समर्पित, हृदय विदीर्ण, हाँ, हृदय से पूरी तरह समर्पित, मतलब भाव। हृदय मतलब क्या? भावना ना, हृदय से कनेक्ट किया है भावना, तो भाव विभोर हो गए, भाव से सर्वस्व समर्पित हो गए। तो बाबा ने कहा उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। अच्छा, आज गीत कौन सा होगा? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवानोवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिब्रेट करे यह तो संभव नहीं है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिब्रेट करे, क्या यह संभव है? यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं, बाबा उनको समझाते हैं। किनको? जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाबा के सम्मुख बैठे हैं। नहीं, हाँ, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, परम धाम में रहने वाला हूं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख ना सके। आत्मा है तो देख सकते, सुन सकते, कानों द्वारा सुन ना सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। अब ये चीजें, इनमें आत्माएं नहीं है, जड़ है ना? आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने यह शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूं। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूं। सबको नहीं सिखाता हूं राजयोग, सभी सीखते भी नहीं है। परिचय मिल जाता है लेकिन याद करना, पढ़ाई पढ़ना वो सभी नहीं करते हैं। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं, क्योंकि सभी सत्युग में तो जा ही नहीं सकते।
अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं है, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60 70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगा यह मेरा पति है, वह कहेगा यह मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है, निराकार से, क्योंकि हम भी निराकार ही हैं। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप नहीं आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूं। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। कब तक योग करेंगे, तब कब तक मुरली सुनेंगे? तो बाबा कहते मुसाफरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमत पर चलते हैं, मुसाफरी में हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अपनी मनमत चला रहे हैं, तो वहां पे माया की ठोकरें भी आती हैं, थकना भी होता है, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहां तो जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है, यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है ना, बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। तो बाबा कहते चलो मेरे साथ, पर मेरे समान कंप्लीट तो बनो ना। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। अब योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई भी याद ना पड़े। हर वो चीज जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दे, सब साइड सीन है। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना, क्योंकि प्राप्ति भी बहुत ऊंची है। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूं। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए ना? बाबा कहते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सर्व धर्म एक हो, तो बाबा कहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत में कैसे रहें,
उसका रास्ता निकालते हैं। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में शिरखंड हो सकते हैं। सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में मिल सकते हैं। राम राज्य में सभी शिरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे, और यहां तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोनी नहीं है, कोई रखवाला प्रोटेक्टर नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते, लड़ते रहते। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। कल भी था ना मुरली में कि जितना सोचते हैं सुख हो उतना और दुख बढ़ता जाता है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें तब कृपा हो। कर प्लस पा कृपा को संधि विकसित करो। कर प्लस पा करोगे तो पाओगे। टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर कृपा करे। सर्वव्यापी कह दिया तो कौन कृपा करे और किस पर कृपा करे। कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े या कृपा अपने ऊपर करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए, या बाप भी है टीचर भी है तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूं, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूं। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ड अलमाइटी वर्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। बाबा अलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो जो जैसा वैसा राज्य कायम करेंगे। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको अलमाइटी अथॉरिटी थी, वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर ना सके। वहां माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज सिल्वर एज। सत्युग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी है चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर हैं। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं वह अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे अच्छे टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 16108 जगत गुरु है ना, ऐसे कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, हमें कौन सा टाइटल मिलता है। और
बहुत सारे। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारे टाइटल है ना। अहिंसा परम, ये टाइटल कोई लेके देखा है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना, ये टाइटल हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं, अबे तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, जब स्थापना हो जाएगी तब हमें टाइटल मिलेंगे ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता क्योंकि वहां दुख की कोई बात ही नहीं। जब कोई का दुख दूर करे, वह बहादुरी दिखाए तो टाइटल मिले। जो रसम रिवाज यहां होती है वह वहां नहीं होती। कलयुग की कोई भी रसम रिवाज सत्युग में नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है, यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूझ गए हैं। यहां तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, सदैव श्रीमत पर चलो, अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से, अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्म राजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की तुम्हारे ऊपर, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो। बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, श्रीमत को नहीं छोड़। देखो, किसने श्रीमत दी है? रचयिता ने श्रीमत दी है। क्या उसको नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी? क्या उसको नहीं पता था ऐसी प्रॉब्लम आएगी? लेकिन किसने श्रीमत दी है, यदि ये याद रहे तो फिर सहज हो जाता है। देने वाला रचयिता है ना। तो बाबा ने कहा, कुछ भी हो श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाप को बताने से फिर सावधानी मिलती रहेगी। हाँ, फिर ये भी है, सरकमस्टांस अनुसार भी बाबा फिर श्रीमत देते। कोई मिलिट्री में है, किसी का जॉब है ना, फिर उस अनुसार भी श्रीमत। कोई बहुत एजेड है,
फिर उस अनुसार भी बाबा श्रीमत देते हैं। तो इसलिए कहा बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी है वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, वह श्री कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर। कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से। बाप बच्चों पर कुर्बान होता है, या बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूं। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मेरा व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए। उन पर बलिहार जाना चाहिए। बस बाबा पर बलिहार जाना है। एक व्यभिचारी याद। अब नाटक पूरा होता है। अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं। उनको क्या याद करेंगे? इसमें फिर अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकना चूर। जो पुरानी प्रदर्शनी की बुक है उसमें लास्ट में एक चित्र है कि 5 विकार है, मंजिल है, रास्ता है, उसमें बीच में 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। नरक से स्वर्ग की तरफ जाने के लिए वो रास्ता है। तो सबसे पहले है क्रोध का विकार, फिर मोह का विकार, फिर लोभ का, फिर काम का, फिर सबसे लास्ट में अहंकार। तो अहंकार में दिखाया है वो ऊंची चोटी पर चढ़ता है, तो अहंकार आया और नीचे गिरा। हाँ, वो होगा पुरानी प्रदर्शनी की जो बुक है उसमें वो चित्र है। तो बाबा ने कहा चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे तो चकना चूर। हमने इतना पुरुषार्थ कर लिया, हम इतने आगे बढ़ गए, हम इतने अच्छे बन गए, ये भी क्या आ जाता? अहंकार। तो बाबा कहते जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। गटर मतलब गड्ढा, नहीं गटर माने गंदा वाला नाला। गड्ढा हाँ, तो बहुत अच्छा है। हाँ गंदा वाला नाला। हाँ तो बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलते तो माया क्या करती है? माया नाक से पकड़, नाक से पकड़ना अर्थात सांस बंद हो जाना। हमारी सांस क्या है? मुरली। सबसे पहले माया मुरली मिस कराएगी, ठीक है? तो नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर क्या हो जाते हैं? फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है।
इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। माया जा रही है ना, कुश्ती में भी कोई हारने वाला होता तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, भाई अब एंड है, ताकत लगा दो अच्छी तरह से। तो माया भी अलग-अलग रूपों से बच्चों के पास आ रही है, लेकिन ये समझना है माया है जो श्रीमत को मिस कराए, भले अच्छे रूप में भी, मतलब माया है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, बीच में कौन मिला उनको, एक महात्मा ही तो मिला ना, क्या भी थोड़ा विश्राम कर लो कल चले जाना। उन्होंने कहा ये महात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि महात्मा कभी भी ये नहीं कहेगा विश्राम कर लो थोड़ा आराम कर लो, और समझ गए वो। तो जो हमें श्रीमत का पालन ना करने दे, मतलब माया रुकावट डाल रही है। तो बाबा ने कहा अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है, रास्ता जरा लंबा है, फिर पद भी तो बहुत भारी है, 2500 साल तक राज्य करेंगे, है ना? यहाँ तो 5 साल के लिए उनको कुर्सी मिलती है, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, इलेक्शन आते हैं, घर घर जाते हैं, सब अपना सुख सुविधाएं, चैन आराम सब खो के बस जीत जाएं, कितनी मेहनत करते हैं, वो भी 5 साल, और वो भी निश्चित नहीं है कि 5 साल कंप्लीट बैठेंगे या नहीं, है ना? और यहाँ और वहां तो अपोजिशन का भी डर रहता है, और यहाँ 2500 साल तक कोई अपोजिट पार्टी नहीं होती है, राज्य करते हैं, तो फिर प्राप्ति भी तो उतनी ऊंची बाबा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं रास्ता जरा लंबा है पर पद भी बहुत भारी है, अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रणिया मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है सद्गुरु का निंदक ठौर ना पाए, कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो फिर पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होता है, माइनस। ये आज बाबा कर्म फिलॉसफी हिसाब बता रहे हैं, यदि सर्विस करने से जमा होता है तो उल्टा कर्म करने से माइनस भी होता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है, हर एक बच्चे का बाबा के पास सारा हिसाब है, रजिस्टर है बड़े बड़े बाबा के पास, आपने देखे? मैंने देखे हैं बाबा के पास रजिस्टर, बड़े जैसे बही खाते वाली फाइलें होती है ना, बड़े बड़े ऐसे बाबा के पास है। बाबा, आप बाबा के सामने बैठोगे कभी ऐसे सूक्ष्म का अनुभव हो तो बाबा आपका रजिस्टर दिखाएगा, बाबा को सब पता है, मैंने देखा है। तो बाबा ने कहा अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होती है, बाबा के पास सारा हिसाब रहता है।
अब सम्मुख पड़ा रहे हैं, तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, बहुत विकर्म बनते हैं। बाबा का डिसरिगार्ड कैसे होता है? श्रीमत पर नहीं चलते तो डिसरिगार्ड है ना। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है, नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में भी फिर नौकर चाकर सभी चाहिए नहीं बनेंगे तो बाबा कहेंगे प्रजा में आओ, फिर वहां पे भी तो जरूरत है, नौकर चाकर सभी चाहिए। भल वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबर वार पद तो है ही ना। सुख है परंतु फिर नंबर वार पद तो है ही ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद हाय प्यार और प्यार गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप, रूहानी आप बाप रूहानी की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्कार। को नमस्कार। हम सब हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की, की, रूहानी बाप रूहानी दादा बच्चों को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। हरना के लिए प्रकृति मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है, ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। हाँ वो अजय भाई, ऐसे ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सेकेंड पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। अपनी मन मत पर नहीं चलना है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है, सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है, काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूरत भव। संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूरत भव। डिटेल, संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे। तीन पॉइंट्स है, आप बच्चे सारे विश्व में सफलता के चमकते हुए सितारे तब तब
तब दिखाई देंगे जब, पहला पॉइंट, आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। श्रेष्ठ भी चाहिए और शक्तिशाली। दूसरा, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। तीसरा, आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूरत होते हैं। स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आएंगे, दीदी हम लोगों को होमवर्क अनाउंसमेंट। ओम हाँ वेंकटेश, शांति। अव्यक्त इशारे एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। आज भी वरदान था ना ये, नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी अनाउंसमेंट।